या हुड़दंगी कर रहे हैं उनको प्रशासन जो है वो बाइक जब्त कर रही है, और उसके बाद से तमाम लोगों को जो है वो उनका बाइक जब्त किया जाएगा। अगर आप प्रशासन से या फिर किन्हीं से भी अगर आप हुड़दंगी करते हैं या रास्ते में हुड़दंगी करते हैं तो आपका ये हाल हो सकता है। यातायात नियम जो है वो सभी की सुरक्षा के लिए है, इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। जो भी नियमानुकूल कार्यवाही है, यदि हेलमेट नहीं पहना है, तीन सवारी बैठी हुई है, तो उसी तरह से नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी जो पूर्व से की जाती रही है। किस प्रकार से उनको बताया जा रहा है कि भैया देखिए गाड़ी जो है वो कम स्पीड में चलाइए, और अभी समय जो है वो करीबन 12 बज रहा है। इस प्रकार से देखिए मरीन ड्राइव यानी गंगा पथवे पे जो है प्रशासन के द्वारा जो कार्य है वो किया जा रहा है कि अभी एक और बाइक पकड़ा गया है और उनसे पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा होगा। यहाँ देखिए ये बाइक वाले निकल रहे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं जो नंबर प्लेट पर स्टिकर लगा ले रहे हैं, नंबर प्लेट पर पेपर चिपका ले रहे हैं, तो हो सकता है इस चीज़ को भी लेकर जो प्रशासन है उनके द्वारा जो कार्यवाही है वो की जा रही है। नवरात्र है और नवरात्र में काफ़ी हुड़दंग मचाने वाले जो लड़के हैं वो भी निकलते हैं, मनचले निकलते हैं, और रोड पर आकर जो ट्रिपल लोडिंग बाइक पर और उसके बाद बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग तो ज़रूर आते हैं। देखिए दृश्य दिख रहा होगा आपको, और उसके बाद से बाइक में जो एक आवाज़ होता है वो निकालते हैं फटफट फटफट फटफट। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए एक खबर हमने आपको दिखाया था जिसमें ट्रैफिक SP पूरन कुमार झा सर का बयान जो था वो मैं ले रहा था। अब इस दरमियान उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था कि जो भी लड़के हुड़दंग करते हुए पकड़े जाएंगे उनका बाइक जो है वो सीज हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से पटना पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और पूरी तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ तमाम जगहों पर जो गाड़ी लगाई गई थी उसको हटाया जा रहा है, किन्नी किन्नी का चलान काटा जा रहा है। देखिए वो तस्वीर दिखाइए, देखिए किस प्रकार से उनको बताया जा रहा है कि भैया देखिए गाड़ी जो है वो कम स्पीड में चलाइए, और अभी समय जो है वो करीबन 12 बज रहा है। इस प्रकार से देखिए मरीन ड्राइव यानी गंगा पथवे पे जो है प्रशासन के द्वारा जो कार्य है वो किया जा रहा है एक तरीके से, और जो लोग बिना हेलमेट या फिर इस प्रकार से जो उत्पात कर रहे हैं या फिर बाइक से आवाज़ निकाल रहे हैं तरह तरीके का, या फिर लहरिया कट काट रहे हैं या फिर अलग तरीके से चला रहे हैं या हुड़दंगी कर रहे हैं, उनको प्रशासन जो है वो बाइक जब्त कर रही है, और उसके बाद से तमाम लोगों को जो है वो उनका बाइक जब्त किया जाएगा। अगर आप प्रशासन से या फिर किन्हीं से भी अगर आप हुड़दंगी करते हैं या रास्ते में हुड़दंगी करते हैं तो आपका ये हाल हो सकता है इस प्रकार का। और पूरे रात में प्रशासन के द्वारा गंगा पथवे पर देखिए किस तरीके से मुस्तैदी है, आप बिल्कुल भी बच के नहीं जा सकते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपका बाइक जो है वो सीज हो जाएगा, आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपका हजारों का जो चालान है वो कट जाएगा। देखिए प्रशासन अभी रात का करीबन 12 बज रहा है, और 12 बजते हुए हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो गंगा पथवे से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है, दिखाई जा रही है, और तमाम प्रशासन के जो लोग हैं वो कोई ऐसा अनहोनी ना हो, कोई बाइकर्स गैंग जो होते हैं जो बाइक चलाते हैं ट्रिपल लोडिंग होते हैं और उसके बाद से ऐसे ऐसे लोग जो एकदम स्पीड में निकलते हैं उन पर नकेल कसने की जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर लिया। आप इनके हाथ में देख रहे होंगे डंडे हैं, अब खुद ये लोग हेलमेट लिए हुए हैं, और उसके बाद से तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा जो है इनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप अच्छे से चलाइए, ढंग से चलाइए, रियायतें जो हैं वो बरतिए, कम से कम आप हेलमेट नहीं पहने हैं और तमाम चीज़ें जब नहीं लगाए हैं तो कम से कम ढंग से चलाइए गाड़ी, क्योंकि लहरिया मारने का जो है वो ये एरिया नहीं है और गंगा पथवे है। और यहाँ आप लोग देखते होंगे किस प्रकार से जो लोग हैं वो हमेशा एक जो रंगीला मोड होता है लड़कों का वो देखने को मिलता है, और ये हम सीधी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, कुछ आपको दृश्य वो उसमें भी दिखाए कि किस प्रकार से जो प्रशासन है उनके द्वारा जो है बाइक पकड़ा गया और उसके बाद से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, और समझाने की कोशिश करने के बाद फिर अगर वो गलत करते हुए पकड़े गए तो उनको कहीं ना कहीं बताया गया। देखिए अभी एक और बाइक पकड़ा गया है और उनसे पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा होगा। यहाँ देखिए ये बाइक वाले निकल रहे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं जो नंबर प्लेट पर स्टिकर लगा ले रहे हैं, नंबर प्लेट पर पेपर चिपका ले रहे हैं, तो हो सकता है इस चीज़ को भी लेकर जो प्रशासन है उनके द्वारा जो कार्यवाही है वो की जा रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा जो कार्यवाही है वो किया जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से हम आपको सीधी जो प्रशासन के द्वारा जो है कार्यवाही की जा रही है, हम आपको सीधी तस्वीर जो है गंगा के पथवे से चला रहे ये दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनके नंबर प्लेट का जो है
वो देखा जा रहा है कि कहीं नंबर प्लेट में जो गड़बड़ी है वो तो नहीं है। इस तरीके से जो है जो बाइकर्स गैंग का उत्पात होता है पूरे तरीके से पटना में, और लहरिया काटते हैं, अलग अलग तरीके से चलाते हैं, उस चीज़ को लेकर प्रशासन जो है वो पूरा एक्टिव मोड में है। अगर आप कुछ भी इस तरीके का काम करिएगा तो आप पर डंडा बरस सकता है, आपका बाइक जब्त हो सकता है। कल हमने आपको ये खबर दिखाया था और देखिए किस प्रकार से उस खबर का आपको लाइव एग्जांपल जो है वो दिखा रहे हैं। उधर एक बार कहेंगे दिखा दीजिए किस प्रकार से प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। फिलहाल ये जो है पूरा एक तरीके से कह सकते हैं पटना में, पूरे पटना में प्रशासन के द्वारा जो है ऐसी स्थिति है कि सबको अगर कोई गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं समझा बुझा कर पहले अगर मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद बाइक जब्त कर लिया जाएगा। फिलहाल हम आपको ये तस्वीर जो है गंगा पदवे से दिखा रहे थे, आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।